भी आपको अहम खबर देंगे। चारसदा में मुंडा हेडवर्क सैलाबी रैली में बह गया है। आइंदा चंद घंटों में सैलाबी रैला चारसदा पहुंच जाएगा। चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी गई हैं। चारसदा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाकों के डूबने का खतरा भी बताया जा रहा है। जिले इंतजामिया के नौशहरा बाजार बंद करने के ऐलान भी सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। चारसदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स मुनहदिम हो गया है और इसी सूरत हाल बारे मजीद तफसीला जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हमीद, ब्यूरो चीफ पेशावर। आबिद, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और अब क्या हिदायत दी जा रही हैं, क्या ऐलानात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो पहले से बता दिया गया था नौशहरा, चारसदा और मुलहिका इलाकों में कि बड़ा एक सैलाबी रैला यहाँ से गुजरने वाला है जो रात गए यहाँ पर पहुंचेगा। इसी वाले से जो 10:45 पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुंडा हेडवर्क्स पर 2,60,000 क्यूसिक सैलाबी रैला जो तिहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है गुजरा, जिसके जो अपने साथ मुंडा हेड ब्रिज को बहा ले गया, जिसके बाद जो है अब इस वक्त सिचुएशन यह है कि चारसदा, नौशहरा, शबकदर और जो मुलहिका इलाके हैं उनके डूबने का शदीद खतरा पैदा हो गया है। लोगों को निकाला जा रहा है, पुलिस और रेस्क्यू जो अहलकार जो हैं वो उन इलाकों में जो है वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। नौशहरा में भी ऐलान किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि वो पूरी तौर पर घरों को खाली करें और बाजार जो है उसको बंद किया जाए। ताजर बरादरी से भी सवाले से अपील की जा रही है। चारसदा में काफी इलाके जो है वो सब पानी में डूबे हुए हैं। चारसदा के लोग जो है वो सैलाबी रैले से बचने के लिए जो है इस वक्त उन्होंने मोटरवे पर पड़ा ली हुई है। मोटरवे जो है वो इस जैसे दरियाए खाली से काफी फासले पर है, इस वजह से लोग उन्होंने वहां पर पड़ा ली हुई है, लेकिन वो बेसरो सामानी की हालत में है। सिचुएशन इस वक्त ये बनी हुई है, पुलिस की जानिब से भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू अहलकार भी सवाले से लगे हुए हैं, जिले इंतजामिया भी। ठीक है, आबिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चारसदा में मुंडा हेडवर्क सैलाबी रैले में बह चुका है और आइंदा चंद घंटों में सैलाबी रैला चारसदा पहुंच जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि चारसदा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाकों के भी डूबने का खतरा है। साथ ही साथ जिले इंतजामिया के नौशहरा बाजार बंद करने के ऐलान भी सामने आ रहे हैं, तो हिदायत भी जारी की जा रही हैं लोगों को और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि बाजार भी बंद करा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और चारसदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स मुनहदिम हो गया है। चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। आइंदा घंटों के दौरान आबादी सैलाब की लपेट में आ जाएगी ऐसा बताया जा रहा है और मुंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद चारसदा, शबकदर और दीगर इलाकों के डूबने का खतरा भी बताया जा रहा है, जबकि इंतजामिया ने यहाँ पर लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। नौशहरा इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त दरियाए काबुल में पानी का बहाव 1,96,400 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो चुका है और ये भी इतलात आ रही हैं कि कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। तो चारसदा में मुंडा हेडवर्क सैलाबी रैले में बह चुका है और उसके बाद सूरत हाल ये है कि चारसदा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई हैं। साथ ही साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से ऐलान किए गए हैं कि बाजार बंद कर दिए जाएं।